कॉल हो गई भाई, स्ट्रेट हो गई। अब टाइगर आ रहा है। हंड्रेड परसेंट टाइगर है। और ये डॉर्मेट्री के जस्ट पीछे फेंसिंग भी है, तो एक बार अपन टॉयलेट तक चलेंगे और फिर मैं आपको फेंसिंग कितने पास है वो दिखाता हूँ। और कल यहीं पे टाइगर आ गया था फेंसिंग पे। फिर जो हमारे गार्ड साहब हैं उन्होंने बताया कि गेस्ट लोगों को बाहर आ गए तो अंदर भेजा, क्योंकि देखिए खतरा तो है ही। ये फेंसिंग कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो जंगल घुरा, 5-6 जंगल घूर चुका, काजीरंगा, मानोस, जल्दापाड़ा, होलोंग, रणथंबोर। तो जंगल तो अच्छा ही से अच्छा है ही है, मगर ये जंगल तो मन करता है कि कभी मिले छुट्टी तो यहाँ पहुँचा। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो जैसे कि आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा, जोन में सफारी करी थी, और फिलहाल अभी जहाँ हमारा स्टे है वहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग चलिए और आपको दिखाता हूँ अपना जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है ना रात की, वो थोड़ी सी हम कवर करेंगे। तो अपने साथ अतुल भाई है, तो इनको भी मैं दिखाता हूँ। भाई लोगों का तो रूम हमने वहाँ पे कर रखा है, तो भैया लोगों के भी रूम टूर करवाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ना भैया जैसे रात को बैठ जाओ, आपको शॉर्ट डियर में अपने कैमरे से दिखा दूंगा यहीं बैठ के। अच्छा जी। और टॉयलेट के अंदर मिलेंगे आपको डियर। अच्छा जी। हाँ। तो ये कैसे है? अब वो आ जाते हैं कूद के, अब वो भी लॉजिक ना, वो अपनी बॉडी को। ये देखो अंदर ही घूम रहे हो। ये अरे अब देखो ना, डियर आ सकता है तो फिर टाइगर क्यों नहीं आ सकता? सही बात है, वो कूद के आ गया तो ये क्यों नहीं आया? पिछली बार लोगों के बहुत क्वेश्चन थे, उस पर भी हम आएंगे। ये यहाँ का एमपी थिएटर हुआ करता है, उनको बुला लो, वो खुश रहेंगे। तो यहाँ पे पहले एमपी थिएटर है, मतलब यहाँ पे ना मूवी चलती थी टाइगर की स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज। अभी जब से टाइगर का अटैक हुआ है तब से यहाँ पे अभी बंद हो गया है। ओ भाई, ओ माय गॉड, ये देखो कैंपस के अंदर। पूरी वाइल्ड लाइफ तो आपको यहीं दिख जाएगी भाई। दूध पी रहा है वो। क्या, वाह वाह, कहाँ पी रहा? क्या बात है, बहुत अमेजिंग, बहुत रेयर चीज है। देखो माँ का दूध पी रही है। ये भी सायरन की आवाज सुनी आपने? ये डियर क्रॉस कर रहे हैं ना, उनको जो करंट लग रहा है उसकी सायरन है। अच्छा, वाह। ये देखो कितनी क्यूट सी है, छोटी सी। सुपर। तो यहाँ पे ही चलती थी मूवी। अच्छा, काल? नहीं नहीं, काल नहीं, डॉक्यूमेंट्री, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री। और ये जो डियर है ना भैया, ये सब ये टाइगर से दबक के आते हैं।
क्योंकि ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी है, क्योंकि थोड़ी सी ब्लर हो रही है, क्योंकि उस पार उसको खतरा है, टाइगर घूम रहा है। इसकी थोड़ी सी और करना, जूम करके ऐसे करके ना ये वाली वीडियो भेजना। तो ये देखो, ये चारों ओर से ना फेंसिंग है इसमें, तो इसमें भी करंट दौड़ता है। और ये ही मतलब ग्रासलैंड का एरिया है जहाँ पे अभी दो टाइगर है। ये ग्रासलैंड वाली होती थी ना भैया, उसके तीन बच्चे थे, तीनों मेल, तो उसके एक मेल ने अभी मारे हैं दो लोगों को, तो उसको रेस्क्यू कर लिया था सेम डे। अच्छा। एक को मारा, उसके बाद दूसरे को मारा, उसके ढाई घंटे में रेस्क्यू कर लिया था। तो हमारे सर आए, आप कहाँ से आए सर? है? आप कहाँ से आए? हम वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। फोटो तुला वो मेरा लड़का। अच्छा अच्छा, वही तुला। हम थोड़ा कैमरे से आएगा। अरे आजा, कोई नहीं यार, वाइल्ड लाइफ का ही चैनल है हमारा। मैं कह रहा हूँ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो जंगल घूरा, 5-6 जंगल घूर चुका, काजीरंगा, मानस, जल्दापाड़ा, होलोंग, सब सब रणथंभौर। तो जंगल तो अच्छा ही से अच्छा है ही है, मगर ये जंगल तो मन करता है कि कभी मिले छुट्टी तो यहीं रहो। वो तो है। और लेकिन जो आपको आज टाइगर की साइटिंग हुई, उसके बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, टाइगर तो हम देखी है, वो अलीपुर में देखी है, सब जगह में देखी है, वो अलग बात है। और ये एक छोटा सा, इतना छोटा सा वो की डियर छिलोटा, हॉग डियर, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर, उसको पकड़ा। अब उसके साथ में दो बच्चा था। अच्छा, टाइगर का बच्चा। हाँ, टाइगर का बच्चा। पहले देखा है कि छोटा बच्चा जंप करके भाग गया, हम लोग देखा है। हाँ। तो उसके बाद देखता है उसका माँ मुंह में लेकर आता है डियर को। हाँ। मारा है, छोटा। हाँ। एकदम छोटा। हाँ। सा छोटा ही होगा। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद वो वहाँ सो गया। अच्छा, थोड़ा आगे जाके सो गया। अब जंगल थोड़ा ऊंचे है। हाँ हाँ। इसके बाद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको वहाँ से। हाँ, गाड़ियों के पीछे चला गया, नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप दिखाई दे रही। अच्छा, तो शिकार करते हुए दो बार दिखा आपको या एक ही बार दिखा? एक ही बार। अच्छा, दूसरा वाला मिस हो गया होगा। कोई आदमी और देखा होगा, हम एक ही बार। चलो, ये तो बहुत नसीब से देखने को मिलता है शिकार करते हुए। चलो, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा जी जी, भालो लगे छे। आप कहाँ का आदमी है? हम यही का आदमी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का, हल्द्वानी। हम कलकत्ता का है। हम हर साल एक बार कलकत्ता भी आया हूँ मैं घूमने, कलकत्ता भी गया हूँ मैं। अच्छा। कॉलेज के टाइम में आया था कलकत्ता, तो वहाँ के बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी हैं, छुट्टी मिल। और हमारे बहुत सारे ना, जो चैनल में आपका वीडियो देखेंगे, बहुत सारे बंगाली भी हैं। बंगाली भी है ना? हाँ, बहुत, कोलकाता, बांग्लादेश, काफी जगह से। हम लोग साल में एक बार चेष्टा करता है। हम लोग कोई नौकरी वाला नहीं है। हम लोग का थोड़ा छोटा मोटा एक मुदीखाना का दुकान है, गुलसारी शॉप। अच्छा, छुट्टी थोड़ा मिलने पर हम निकल जाता है। चलो, ये शौक है आपका, ये भी बड़ी बात है। शौक है हमारा, दूसरा कोई और कोई शौक नहीं है। इससे एनर्जी मिलती होगी कि अंदर ना पीता है, ना चाय ना अच्छा से पीता है, ना कॉफी ना पीता है, ना कुछ नहीं, खाली वाइल्ड लाइफ, खाली यही चलता है जंगल। चलो बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू। तो जी, यहाँ पे हाथी है जो रेस्क्यू के लिए आते हैं काम पे, और गश्त के लिए बेसिकली। और ये देखिए, डियर भी अब दिखने लग गए हैं अंदर ही कैंपस के अंदर। और ये सामने वाला अपना आज का ठिकाना है, इस बंजारे का ठिकाना, आज का रहने का आवास। अभी दिखाएंगे आपको, यहाँ पहले चलते हैं एक बार डेक वाले एरिया पे। ये देखो, बंदर बैठा मस्त करके यहाँ लकड़ी के ऊपर,
और यहाँ इस साइड डियर है। तो जी और देखते हैं आज की रात में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो जी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और आसमान तो इतना रंगीन हो रखा है ना, मतलब एकदम नारंगी कलर का। तो ये आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे हम जाएंगे कैंपस की तरफ और यहाँ से रास्ता जाता है ओल्ड एफआरएच का। और अभी तो वहाँ का एरिया भी दिखने लग गया भाई, सामने रामगंगा रिवर। ओ देखिए ये पहले यहाँ पे एलिफेंट राइड होती थी, एलिफेंट से सफारी होती थी, तब का बना हुआ है। यहाँ से लोग बाग चढ़ते थे और वहाँ से हाथी पे बैठ जाते थे, एलिफेंट माउंट बोला जाता है इसे। तो जी ये है सिस्टम, ये देखो नजारा जो दिख रहा है ना यहाँ से, भाई साहब एक नंबर, वाह व्हाट अ व्यू। और इसी जगह पे पहले जब लास्ट टाइम आए थे टाइगर की साइटिंग भी हुई थी अंदर से ही। और यहाँ पे फेंसिंग है बेसिकली और बहुत ही पतला गैप है। और देखिए ना उसके बाद भी डियर इस पार आ जाते हैं। हालांकि टाइगर के लिए ये गेट कुछ भी नहीं है, अगर वो कूद मारेगा ना तो भाई कुछ भी नहीं है ये गेट। ये देखो सिग्नल आ रहे हैं ना जो, वो डियर जब क्रॉस कर रहे हैं तब के है। तो जी अभी थोड़ा सा मुझे यहाँ सोचों से पता चला है, कि जो टाइगर है यहाँ का वो मेटिंग में है। अब ये कौन सी टाइग्रेस है ये तो हम नहीं बता सकते और गॉड्स नो, क्योंकि वहाँ अभी सफारी अलाउ नहीं है तो हम वहाँ का कन्फर्म नहीं बता सकते। और ये देखो भाई रात को भी बंदर घूमते हैं। तो जी ये सीन है, फिर चल रहे रूम की तरफ। अरे भाई यहाँ तो और लोग भी बैठे हुए हैं, क्या हाल है जी? एकदम बढ़िया बढ़िया। आप लोग कहाँ से हैं भैया? जयपुर। जयपुर, जयपुर। क्या नाम है आपके? मनीष। अंदर बैठे हो यार, मतलब क्यों ऐसे? यार मतलब टाइगर दिख आ रहा है बाहर से। अच्छा मनीष हर्ष और भाई दीपक, दीपक मायसेल्फ दीपांकर, दीपांकर फ्रॉम हल्द्वानी, हल्द्वानी। तो ये है जी एनएक्सी 2। तो बेसिकली ये रूम रहते हैं। बढ़िया है, नाइस साफ सुथरा है। कमरे कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया है, अच्छा है ना? और जूम करो।
तो ये देखो कमरे से देख रहे हैं, और यहाँ पे सब लोग डियर देख रहे हैं यहीं से बैठ के। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पहली बार ऐसा हो रहा है। उधर से लोग बंग नीचे को आ रहे हैं ना, सब निकल लिया। कमरे वालों ने बोला एक्साइटेड हो गए कि ये देखो डियर हमारे नीचे, सब चल दे, देखो रास्ता रास्ता बदल दिया हमने। हाँ सब लाइन बना के जा रहे हैं क्या पीछे। इसकी तो चलने की आवाज भी सुनी होगी आपने। अब रोड की तरफ देख के अलर्ट हो रहा, कान एकदम सीधे कर लिए उसने। मैं जिस जगह से अभी जस्ट आया हूँ ना, वहाँ अलार्म कॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ के डियर तो नॉर्मल है, अलार्म कॉल तो शायद थोड़ी सी दूर से आ रही है। कितना हल्ला कर रहे हैं, क्या अलग ऑटो गेम है यार। अभी तो नहीं दिखता लेकिन परसों अच्छा के साइड में है ना फैंसी, तो वहां पर 9 बजे देखा हमने फैंसी के बगल में खड़ा था। 12 बजे तक उधर ही बोल रहा नहीं है, गुर्रा भी रहा था। अच्छा अभी सुनने में तो आया था मीटिंग भी हुई इनकी ना। दिन में अंदर से ही चांस बनते होंगे। अब उसके लिए यह है कि सफारी छोड़ के यहीं बैठना पड़ेगा क्यों। कॉल हो गई भाई, इस साइड हो गई। अब टाइगर आ रहा है, ये देखो अब धीरे धीरे ये सब करेंगे कॉल। 100% टाइगर है।
इस साइड आते हैं दीवार के। आएगा टाइगर, कंफर्म है तो। अलार्म कॉल चल रही है ना, टाइगर आसपास ही है। फेंसिंग के उस साइड देख रहे हैं। एक बार ये बंद करो ना, रोड पे आ सकता है। अरे यही घूमता टाइगर। अब लाइट शायद हो रही है। हाँ तो लाइट कन्फर्म, लाइट दिख रही सामने। अब सारे डियर यहाँ से भाग गए। टाइगर अंदर आया तो जी ये था फिर। अब हमें तो थोड़ी बहुत उसकी आकृति वगैरह तो दिखी और लाइट चमकते हुए शायद आपको दिखा हो या नहीं वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं भी एक बार वीडियो को अच्छे से देखूंगा। ये शोरगुल तो खासकर यार टूरिस्ट जगह है, इतने अलग अलग देशों से लोग आते हैं और इतना शोर शराबा किसको अच्छा लगता है यार। दिस शुड हैव मैनर, मतलब एटलीस्ट गाली गलौज हल्ला मचाना और थोड़ा सा बोलना भी चाहिए स्टाफ ने भी। फिर से अलार्म कॉल स्टार्ट हो गई है। टाइगर की मोमेंट, तो जी यहाँ रूम का बेस्ट पार्ट यही है, आप एकदम वाइल्ड लाइफ के साथ हैं। अभी मैं कमरे में हूँ, देखो और ये सायरन की आवाज है, टीयर जब क्रॉस करती है तब आती है। डोरमेट्री के पास से ही मतलब ज़्यादातर डियर भी आ रहे हैं, वहीं से रास्ता मिलता होगा। हाँ ये तो जंप करके आ जाते हैं, जंप करके जैसे वो पतला से गैप है उसके अंदर भी आ जाते हैं। ना ना उसके अंदर वहाँ से नहीं, कहीं कहीं बड़ा गैप होगा। हाँ तो ये काम चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ
इधर से बनती चली आ रही है। तो मतलब बाहर के मैक्सिमम सब अंदर आ जाते होंगे ज्यादातर। ये जो हिली भी है ना यहाँ पे, जो पहले से आती है ना, वही डियर आती है। अच्छा, इनकी आदत होगी पहले से, दिन में बाहर खेलने के लिए आती है। और फिर अपने को सोचती भी है कि हम सेफ है, सेफ है। जैकल दिख जाता है, जैकल तो रहता ही, जैकल तो रहता है, ये चार पांच है कहीं भी स्टाफ में, आदमी के बीच में रहता ही है जैकल। सिस्टम अभी सन्नाटा है बिल्कुल। कल वहाँ स्टाफ क्वार्टर से दिखा था ऑल टाइगर, अभी भी वहाँ से यहीं पे कॉल हो रही थी, आंखें तो चमक रही थी, क्या होता टाइगर ही हो। ग्रासलैंड कब तक खुलने की है उम्मीद? ये ग्रासलैंड पहले इसको जलाएंगे। अच्छा, तो जलाने के बाद में जरा पानी जरा थोड़ा और कम हो जाए ना, मार्च तक ही मान लो। हाँ, मार्च तक खोल देंगे। अब वैसा वाला डर तो नहीं इनसे, जैसे मतलब जो टाइगर अटैक किया इनसे तो नहीं होगा ना? ना, वैसे तो गाड़ी से तो थोड़ा डरते हैं। फिर ऐसा है ना कि जब गाड़ी घूमने लगेंगे तो दाएं बाएं हो जाएंगे। हाँ, दाएं बाएं हो जाएंगे। यह है कि थोड़ी सी वो तो करनी पड़ेगी, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। मेन है ना, टूरिस्ट का भी है ना डर, टूरिस्ट हो गया, स्टाफ हो गया। तो जी ये है फिर यहाँ की नाइट लाइफ, और अब अपन चल रहे हैं अपने रूम की तरफ और वहाँ बैठ के थोड़ी देर और देखेंगे लाइट पर। और ये डॉर्मेट्री के जस्ट पीछे फेंसिंग भी है, तो एक बार अपन टॉयलेट तक चलेंगे और फिर मैं आपको फेंसिंग कितने पास है वो दिखाता हूँ। और कल यहीं पे टाइगर आ गया था फेंसिंग पे। फिर जो हमारे गार्ड साहब हैं उन्होंने बताया कि गेस्ट लोगों को बाहर आ गए थे वो अंदर भेजा, क्योंकि देखिए खतरा तो है ही। ये फेंसिंग, और ये है यहाँ का वॉशरूम। अभी तो लाइट है, पिछली बार तो भाई यहाँ पे लाइट भी नहीं थी।
सुनो। चकाल पे आ गया कीतड़ बोल रहा है। अभी दूर से बोल लेटेगा तो कैंपस के अंदर से गीदड़ बोल रहे यार इतना लंबा है इतना पैनिक क्यों कर रहे लेकिन याद ही बोल रहे हैं माहौल थोड़ा
सोने जाते हैं पहले। गुड नाइट, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।